IVM. There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, I mean, like, we'll do a random drawing of like maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लॉस एंजलिस में हॉलीवुड है और फिल्म बनाने वाले तमाम स्टूडियो हैं, लेकिन इसमें यूनिवर्सल स्टूडियो की बात बिल्कुल अलग है। असल में यहां पर्यटकों के आने की इजाजत है और स्टूडियो के मालिकों ने इसे भी एक व्यापार में बदल दिया है। स्टूडियो में कई फिल्मों से जुड़ी प्रदर्शनियां हैं, जिनमें यह भी बताया जाता है कि वो कैसे बनी। इन्हीं में से एक प्रदर्शनी की ओर मैं जा रहा था तो मुझे एक मूर्ति खड़ी दिखाई दी। 19वीं शताब्दी में अमेरिकी जैसे कपड़े पहनते थे, वैसे ही कपड़े पहने हुए एक मूर्ति खड़ी थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तस्वीर ली, वो हरकत में आ गई। असल में वो एक इंसान था और पिछले 5 मिनट से ऐसे ही बुत बना खड़ा था। मैं इस बात से हैरान था कि उसने पलक भी नहीं झपकाई थी। बाद में पता चला कि शुरुआती अभिनेता स्टूडियो में इस तरह का काम करते हैं ताकि उनकी प्रैक्टिस भी होती रहे और कुछ आमदनी भी हो जाए। अब यूनिवर्सल स्टूडियो में फिल्में जहां बनती हैं वहां तो आप नहीं जा सकते, लेकिन बहुत और जगह हैं जिन्हें देखा जा सकता है। इसीलिए वहां के गाइड आपको एक खुली ट्राम जैसी गाड़ी में बैठाते हैं और पूरे इलाके में घुमाते हैं। हमारी गाड़ी एक छोटे से तालाब के सामने से गुजरी, जिसमें स्टीवन स्पीलबर्ग की नामी फिल्म जॉज की शूटिंग हुई थी। यहां फिल्म कैसे शूट हुई उसकी पूरी कहानी बताई गई। देखकर हैरानी हुई कि वो शार्क जो फिल्म में इतनी बड़ी और भयानक लग रही थी, वो कुल 5 फुट से ज्यादा नहीं थी और रिमोट कंट्रोल से चल रही थी। उससे ज्यादा हैरानी हुई जब ये देखा कि 10 कमांडमेंट्स फिल्म के समुद्र को बीच से 2 हिस्से में बांटने वाले सीन को जहां दर्शाया गया, ये एक सड़क के किनारे बस 3 या 4 फीट का एक छोटा सा हिस्सा था जो एक लीवर से अलग हो जाता था। सारा कमाल कैमरे और ग्राफिक्स का था, और वो भी 60 साल पहले। फिर धीरे धीरे हमारी गाड़ी एक सुरंग में घुसी और लगा जैसे उसके पहिए को किसी ने हुक में फंसा दिया है। अचानक खूब आवाज हुई और वही गोरिल्ला आया जो किंग कॉन्ग फिल्म में था, और उसने पूरी गाड़ी को जोर जोर से हिलाना शुरू किया। शुरू में घबराहट हुई और बहुत से लोग डर में चिल्लाने लगे, और फिर जब खेल समझ में आया तो लोगों का हंसना और खुशी में चिल्लाना शुरू हुआ। अंत में हम सब वाटर वर्ल्ड की प्रदर्शनी देखने पहुंचे। ये 80 के दशक की एक बड़ी फिल्म थी और इसका जो प्रदर्शन हुआ तो सब के सब हैरान रह गए। स्टेडियम जितने बड़े इलाके में इसका प्रदर्शन हो रहा था, और दर्शकों के बीच उसके किरदार निकल निकल कर अचानक भागते थे। वहां बैठे बैठे रोमांच हो रहा था, लगा कि वाकई क्या प्रदर्शनी है। कि तभी अंत हुआ, एक पूरा हवाई जहाज उड़ता हुआ आया और हमारे सामने पूल में गिरा और बढ़ते बढ़ते बिल्कुल दर्शकों के सामने आकर ठहर गया। उस नजारे को देखकर अच्छे अच्छों की चीख निकल गई, और यही कार्यक्रम का क्लाइमेक्स था। वाटर वर्ल्ड को देखकर मन तृप्त हो गया। यूनिवर्सल स्टूडियो का
$100 का टिकट खरीदने पर मुझे जो संशय था कि सही किया या गलत, वो दूर हो गया। वाकई एक एक पाई वसूल हो गई थी। ऐसा सजीव चित्रण ना तो कहीं देखा था और ना ही मुझे लगा कि किसी के बस का था। हम सभी लोग वाटरवर्ल्ड की प्रदर्शनी से बाहर निकले और अब समय था घर लौटने का। तभी कोई चिल्लाया, अरे देखो सैंड्रा बुलक। ये हॉलीवुड की नामी अभिनेत्री थी। हम सब ने उस ओर देखा, दूर एक महिला सनग्लासेस लगाकर हाथ हिला रही थी। हम सब ने भी पूरी गर्मजोशी से हाथ हिलाया। एक दो लोगों ने सीटी भी बजाई। हम सब बड़े खुश थे कि चलो अचानक सैंड्रा बुलक को भी देख लिया, भले ही दूर से सही। बाद में होटल में पता चला कि ये यूनिवर्सल स्टूडियो के गाइड्स का एक पैंतरा है। वो जोर से हवा बांधते हैं ताकि लोगों को लगे कि उनका यूनिवर्सल स्टूडियो आना सफल हो गया। लेकिन वो महिला अभिनेत्री सैंड्रा बुलक रही हो या नहीं, पर यूनिवर्सल स्टूडियो में बिताया हर पल उनके बगैर भी यादगार हो गया। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से फिर नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On The Habit Coach, Ashton meets Devangana Mishra. She is the CEO and founder of Brain Bristle. And this Autism Awareness Month, they discuss how we can understand autism better. The Simplified hosts ponder over how form dictates content, whether it's going from CDs to streaming or blogs to Twitter. On Voices for Water, Karthik talks to Dr. Veena Srinivasan. She is the lead of the Center for Social and Environmental Innovation. They deep dive into the importance of investing in water waste treatment. On Say No to Drama, Chetna tells us why work friends are essential and how they influence our overall performance. And on All Things Policy, the Takshashila folk analyze the implications of China's genetic resource guidelines. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on, including the one you're listening to us on now. And also, please do check us out on YouTube. We have a number of channels. They're all available on ivmpodcast.com/YouTube. We're also doing a small listener survey to help us understand you, the listener, better, and how you like our shows, how you respond to the advertising, and so on. We'd really appreciate it if you could spare a few minutes to fill it out. It's at ivmpodcast.com/survey. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week, SBI Life Insurance, India Water Portal, and Jupiter, a digital banking app. Thank you so much for making this possible. हम महिलाएं रोज के कामों में बहुत व्यस्त रहती हैं, और हो भी क्यों ना, काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियां सभी पूरी करनी जरूरी हैं। पर इन सब के बीच हम जीवन के एक बहुत ही जरूरी पहलू को नजरअंदाज कर देती हैं, फाइनेंस। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं SBI Life प्रस्तुत एक चुस्की फाइनेंस, महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए बनाया गया पॉडकास्ट। यहाँ मैं प्रियंका आचार्य, आपकी होस्ट, आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह आप अपने फाइनेंसेस को बहुत आसानी से संभाल सकती हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकती हैं। अपने 14 वर्षों का अनुभव लिए मैं आ रही हूँ हिंदी और अन्य 7 भाषाओं में हर मंगलवार नए एपिसोड्स के साथ IVM पॉडकास्ट नेटवर्क और अन्य चर्चित पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर।